हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे इसके अंदर 5% की लोअर सर्किट लगा हुआ है और यहां पे मैंने पहले बोला था कि यहां पे मार्केट में कुछ क्रैश होगा तभी एक तरह से यहाँ पे लोअर सर्किट लगेगा स्टॉक में, अनदरवाइज नहीं लगेगा। यहाँ पे जो लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो अगर आप देखें मार्केट में जो गिरावट है उसकी वजह से, ना कि इनके रिजल्ट्स की भी वजह से। दोस्तों, आपने रिजल्ट्स तो Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स इसका देख ही लिया है, तो कंपनी का रिजल्ट्स तो अच्छा ही आया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों को अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो क्या वो अभी के टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा कि जहाँ आने वाला जो अपडेट होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होगा या आप अपने एनालिसिस में हमारे पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यू लोअर सर्किट में है और यहाँ पे Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद भी इस स्टॉक में गिरावट नहीं थमा है अभी के टाइम पे। लेकिन आप देखोगे ये जो गिरावट है बेसिकली रियली में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक्चुअल में गिरावट नहीं, सारे पूरी स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, पूरी मार्केट क्रैश हो रखा है। आप देख सकते हैं सेंसेक्स 1% से ज़्यादा गिर चुका है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे जाओगे तो निफ्टी 51.02% की गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप देखो 1.45% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 1.02% की गिरावट है, निफ्टी बैंक में 0.88% की गिरावट, निफ्टी फिनेंशियल में 0.72% की गिरावट। तो ये कंटिन्यू गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे जो मार्केट में बड़ा एक क्रैश आ रखा है, एक तरह से इतना बड़ा भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। लोगों ने पैनिक क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे एक तरह से अगर ये गिरावट है तो यहाँ पे लोअर प्राइस पे मुझे लगता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठने का टाइम है और यहाँ पे एक तरह से पैनिक नहीं होना है। किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉस में है तो दोस्तों, तो उस टाइम के लिए उसको देखना बंद कर दो या उससे आप दूर हो जाओ, अभी कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो आप बिल्कुल। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो अपने आप एक तरह से अगर हम देखें तो खुद ब खुद वो आप फिर से एक तरह से स्टेबल जोन में आता हुआ नजर आएगा और फिर से उसके अंदर तेजी देखने को मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में जो कंटिन्यू गिरावट, तो काफ़ी सारे लोग लॉस में हैं। तो यहाँ पे डोंट वरी, लॉस होती है कंपनी के अंदर, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हीं को लॉस भी होगा, उन्हीं को प्रॉफिट भी होगा। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट करना है, लॉस कम करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन ना कि यहाँ पे ये ऐसा कि ये तो गिरावट अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है तो खरीदते जाओ, लोअर सर्किट लग रहा है तो बेचते जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ, तो ऐसे में तो आप लॉस ही करोगे ना, फिर आप लॉस करोगे, फिर आपके पास पैसेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं पैसेंस। आप पैसेंस जब तक नहीं रखोगे ना, जब तक स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पैनिक ना हो, आप होल्ड करके चलिए लंबे समय के लिए और ये स्टॉक में वापस रैली देखने को, जैसे मार्केट अगर 0.02% भी अगर यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा मार्केट में, तो यहाँ पे इस स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा या तेजी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कंपनी प्रॉफिट की डिविडेंड भी दे रही है तो अच्छी बात है। तो बस इतना ही इस वीडियो में मैं अपडेट देने के लिए आपको बताया था, क्योंकि मेरा जो पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ना, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो बोला कि मतलब कि यहाँ पे अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा नहीं, या एक तरह से मतलब ना अपर सर्किट लगेगा ना लोअर सर्किट लगेगा, एक तरह से कॉन्सोलिडेट होगा, इस तरह के चीज़ें मैंने बोला था। तो यहाँ पे तो लोअर सर्किट लगा हुआ था, लोअर सर्किट लगने का मैंने बताया था, वहाँ पे एक कंडीशन भी रखा था, ये ध्यान होगा आपको कि मार्केट क्रैश नहीं होनी चाहिए और मार्केट आज के डेट में आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बस इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।